गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस एक्सरसाइज रन थ्रू फ्रॉम पेज नंबर्स 83 इन योर बुक. कैन सी हियर पेज नंबर 83. सो अप टू क्वेश्चन नंबर 5 टुडे वी विल डू, एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1. देखिए अभी जो टिक क्वेश्चन लगा रहे हैं उसको आप लोग बनाइए. क्वेश्चन नंबर 1 का ए और क्वेश्चन नंबर सी. ओके, आप लोग जो बच्चे अपना माइक ऑन रखे हैं वो ऑफ कर लीजिए, यदि कुछ पूछना है तभी ऑन करेंगे. और जो क्वेश्चन अभी टिक लगा रहे हैं उसको अभी क्लास वर्क में बनाना है, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा. क्वेश्चन नंबर 1 का ए और सी, 2 का ए और सी, 3 का क्वेश्चन नंबर ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 4 का ए और डी बनाइए, और तब 5 का ए और बी. इतने क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व करेंगे, मैं आप लोगों को कुछ टाइम दे रहा हूँ. जैसे अभी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का ए और सी बना लीजिए, उसके बाद फिर और मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इसे. इसमें आपको ऐड करना है, सबको आता है ना? अभी जो क्लास हो रहा है वो सेम का सेम यूट्यूब पे भी रहेगा, तो आप लोग यूट्यूब पे बाद में भी देख सकते हैं, और यदि किसी को कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं. आप लोग सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और सी. ओके, गुड गुड, ठीक है, वेरी गुड. लेकिन इतना बड़ा बड़ा मत लिखो, पूरा स्क्रीन भर जा रहा है, फिर बच्चे कहाँ से बनाएंगे. एक मिनट. लिख कर इरेज भी कर देना है ना. आप लोगों को
हेलो। पीयूष कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके तो 9:40 में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। और बच्चे बस 6 ऐड हुए हैं। और बच्चे कहाँ हैं? सब सब लोग को बोलिएगा दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए क्लास। और ऐसे तो क्लास को फिर से मैं यूट्यूब पे भी डाल ही दे रहा हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। इसमें करना था फाइंड द सम, जोड़ निकालना है। तो हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये चीज ध्यान रखनी होती है कि डेसिमल हमेशा सामने सामने होना चाहिए। ओके, और बाकी का नंबर को आप जैसे मन करे वैसे सजा सकते हो। मतलब जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिए, और राइट हैंड साइड में है जो राइट हैंड साइड में रखिए। यानी कि 13.07 है तो 19.60 हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए ये 6 था और 6 के बाद कुछ नहीं था। तो ऐसे सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। खाली स्थान का मतलब 0। ओके, सो इसको ऐड कीजिएगा तो 7 + 0 इज 7, एंड 0 + 6 इज 6, एंड देन 9 + 3 इज 12, एंड 1 + 1 इज 2, एंड 1 3। सो इस तरह से 32.67 ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग को मैंने जो दिया 1 का सी। जो क्वेश्चन नंबर बी है उसको आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बी आप देख सकते हो, ये भी इजी है। आपको डेसिमल को सामने सामने रखना है, और यहाँ पर जैसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इधर 3 डिजिट बनाने के लिए अंतिम में आप 0 लगा सकते हैं। तो ये तो 706 के नीचे हो जाएगा 070, और इधर 212 के नीचे हो जाएगा 513। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा बी नंबर। और सी नंबर हम लोग देखते हैं। सी नंबर में 3 अलग अलग नंबर थे, तो इसमें भी अलग अलग डिजिट्स में मतलब कम ज्यादा और कम है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल डिजिट बनाने के लिए 0 लगा लेते हैं, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज में ये सब कर चुके हैं। इस तरह से 0 लगा लिए, उसके बाद फिर सिंपल ऐड कर लेंगे। हम लोग डेसिमल को सामने सामने रखेंगे, 7, एंड देन 9 + 5 = 14, 14 + 7 = 21, 21 का 1 कैरी 2, एंड 2 + 5 = 7, एंड देन 7 + 1 = 8, 8 and 8 = 16, 16 = 6, देन कैरी 1, 1 + 1 = 2, 3, 4, 4, एंड देन 1 + 1 = 2। इस तरह से आपका 246.717। तो इसका आंसर फिर आप यहाँ पे लग से भी लिख सकते हो, 246.717। ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा हुआ था सॉल्व, यानी कि इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। और आपने दिमाग से सोचकर करना है कि कहाँ पे एडिशन करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है। आप देखिए, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसके उसका साइन प्लस समझा जाता है। तो ये +35.07 है, -16.9 है। तो अब हम लोग इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16.9 को नीचे में लिखेंगे, और 9 के बाद कुछ था नहीं, और ऊपर में 2 डिजिट है। इसको 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग 0 लगा सकते हैं, और ऐसे खाली भी छोड़कर ऐसे काम कर सकते हैं। 7 - 0 = 7, एंड देन कैरी यहाँ से लेंगे 1, और ये 10 हो जाएगा। 10 - 9 = 1, एंड देन 8 is 4, एंड 4 14, फिर से कैरी 3 से लेंगे तो 14, 14 - 6 = 18, एंड देन इट इज 2। यहाँ पे अब 2 बच जाएगा 3 की जगह पे, क्योंकि एक आगे चला गया था, 2 में से 1 गया 1। इस तरह से 18.17 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
यदि प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ सकते हो, और जो बच्चे अभी नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग यूट्यूब में भी, बाद में यदि देख रहे हैं वीडियो मतलब यूट्यूब में, तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सी था टू का, उसमें माइनस और प्लस यानी कि चार डिजिट थे और चारों का अलग अलग साइन था, साइन के अनुसार हम लोगों को काम करना था। अब देखिए 2.9 जो है उसका साइन प्लस है और 12.05 है इसका साइन तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जिसका साइन कुछ नहीं होता है उसको हम लोग प्लस समझते हैं। तो इस तरह से ये प्लस वाले को एक साथ हम लोग ऐड करेंगे और सब माइनस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, तो ये 12.05 एंड देन 2.9, और ये 9 के बाद डिजिट इक्वल करने के लिए हमने 0 लगा लिया, और इस तरह से हम लोग ने इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 5 एंड 9 प्लस 0 इज 9 एंड देन 12 प्लस 2 इज 14। ये बिल्कुल आसानी से इसको ऐड एडिशन वाला को एक साथ कर लिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट वाले को एक साथ लिखेंगे माइनस 11.75 एंड माइनस 0.08, और ये दोनों को ऐड करेंगे, दो एक साइन एक जैसे साइन वाले को हमेशा ऐड करते हैं, ये रूल्स मैंने पहले भी बताया था, है ना। तो 8 प्लस 5 इज 13 एंड 13 3 एंड कैरी इज 1 एंड 1 प्लस 7 इज 8 एंड देन 1 1 एंड देन 1 एंड 1, सो हियर वी गेट माइनस 11.83। ओके, और ये माइनस 11.83 अब जो आया इसको हम लोग जो प्लस में आया था उससे घटा देंगे, है ना। सो 14.95 माइनस 11.83, सो 5 माइनस 3 इज 2 एंड देन 9 माइनस 8 इज 1 एंड देन 4 माइनस 1 इज 3 एंड 1 माइनस 1 इज 0। लाइक दिस वी गेट द आंसर 3.12, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सभी को। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा था, क्या क्वेश्चन था। देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मींस रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुना करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। सो ये प्रोडक्ट निकालना है यानी कि गुना करके उसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 1 सॉरी ए और बी करेंगे। ओके, सो 3 का ए और बी हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन मैं कर दे रहा हूँ। देखिए अब इसको आपको बनाने का सिंपल तरीका है कि गुना जब होता है तो हमेशा डेसिमल जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, यानी कि जब भी आप पॉइंट वाला गुना करते हैं और पॉइंट को शिफ्ट करना रहता है, मतलब 100 या 1000 या 10 से गुना करते हैं तो पॉइंट हमेशा किधर की तरफ चला जाता है, दाहिने हाथ की तरफ चला जाता है। अच्छा, उसका एक मतलब नमूना हम लोग इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं। देखिए 0.001 और डिवाइडेड बाई 1100 यानी कि 100 सॉरी मल्टीप्लाई बाई, तो अब ये मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0004 हो जाएंगे, फिर से 0 से करेंगे 40 हो जाएंगे और 1 से करेंगे तो 1 और 3 0 होंगे, और इसको ऐड करेंगे 0 एंड 0 प्लस 0 इज 0 एंड 0 0 1, तो 1 और बाकी सारे के 0। अब देखिए डेसिमल देते हैं कितना, जो दोनों में जितना अंक के बाद रहता है उसको हम लोग काउंट कर लेते हैं, काउंट करके हम लोग डेसिमल देते हैं। ऊपर में 3 अंक के बाद था 1 1 2 एंड 3, तो 3 पॉइंट के बाद डेसिमल दे दिए, तो ये 0.1 ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, इतना लंबा प्रोसेस करने की बात नहीं है, मतलब हमेशा हम लोग ये लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसलिए इसको कर रहे हैं, है ना। देखिए ये 100 से मल्टीप्लाई किए तो ये जो है पॉइंट जो था डेसिमल जो था वो दाहिने हाथ की तरफ जितना जीरो रहेगा उतना तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 2 0 है तो 2 अंक के बाद हमने इसको भेज दिया, यानी कि ये देखिए 1 के बाद पॉइंट हमने यहाँ दे दिया। ठीक है, तो ये एक सिंपल तरीका है बनाने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 का बी, इसमें 100 नहीं था और जब 100 नहीं रहेगा तो हम लोग
को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसी तरीके से, और मल्टीप्लाई कर करके निकालना होगा। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको देखिए। अब देखिए डेसिमल को हम लोग भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करते समय, इसका जो आंसर आता है उसमें हम लोग डेसिमल काउंट करके और फिर लगा लेते हैं, यानी कि जो नंबर है ऊपर और नीचे दोनों में जो जितना अंक के बाद डेसिमल है उतना अंक के बाद फिर हम लोग डेसिमल लास्ट में लगा लेते हैं। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 54 एंड 4 एंड 5 6 8 48 एंड 5 is 53 एंड देन अगेन कैरी 5 एंड 6 9 54 एंड 5 59 एंड देन 5 अगेन कैरी इन हैंड एंड 6 2 12 एंड 5 17। ओके इस तरह से कर लेंगे। फिर 5 से करेंगे, 5 9 45 एंड 5 देन कैरी हैंड में 4 और 5 8 40 और 40 + 4 = 44 देन अगेन कैरी 4 एंड देन 5 9 45 and 4 is 49 and again carry we have 4 and 5 2 are 10 plus 4 is 14. Then we add the two number 4 and 5 + 3 = 8 and 9 + 4 = 13, 9 + 7 = 16 and carry 1 is 17 and 4 + 1 = 5 and carry 1 is 6 and then 1. And after that we count the decimal, kitna डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगा लिए। ओके और ये हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और इसमें भी आई थिंक कि प्रोडक्ट निकालना, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं पहले कि क्या क्वेश्चन कर रहा था क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पे कोशेंट निकालना है, फाइंड द कोशेंट ऑफ द फॉलोइंग। और आपको मैंने बताया कि मल्टीप्लाई में डेसिमल को हम लोग दाहिने हाथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और जब डिवाइड होता है तो हम लोग डेसिमल को बाएं हाथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, भागा में बाएं और गुना में दाहिने। ओके डेसिमल ऐसे शिफ्ट किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो 23.46 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जीरो है और 2 जीरो फिर इस साइड आ जाएगा, देखिए बाएं के हाथ की तरफ चला गया, आप अपने हाथ से देखिए, और इस तरह से 0.2346 आया है ना, बाएं हाथ की तरफ आया। ओके इस तरह से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब देखिए डी नंबर में ये 100 और 10 और 1000 वाला नहीं था, तो इसको हम लोग फिर से जो है लिख कर करके और डिवाइड करेंगे, एक एक कट करेंगे सेम टेबल से, जिस तरह से आपको मल्टीप्लाई में बताया कि जब 100 और 1000 और 10 और लाख इस तरह से नहीं रहे, तब हम लोग जब डिजिट अलग अलग हो जीरो के अलावा हो तब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसी तरह से डिवाइड में भी यदि जीरो वाला नहीं हो तो हम लोग को डिवाइड ऐसे करना पड़ता है। अब देखिए मैंने इस यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये कैसा लिखा है, इसको आप लोग बनाइएगा अभी जैसे बता रहे हैं वैसे। जैसे देखिए 115.184 तो यहाँ पे 115.184 लिखे डिवाइडेड बाय 4.6 लिखे। अब देखिए नीचे में 4.6 था, एक अंक के बाद डेसिमल था, तो ऊपर में 10 कर दिए ये डेसिमल के बदले, और यहाँ पे डेसिमल 184 के पहले था यानी 3 डिजिट्स के बाद थे, तो यहाँ पे 1 पे 3 जीरो लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग कट करेंगे, सबसे पहले 2 का टेबल से कट किए, 2 2 = 4 एंड 2 3 = 6 तो ये 23 नीचे में हो गया, ऊपर में हो गया 2 5 = 10 एंड देन ये 10 11 में से 10 गया तो 1 बचा, 1 पे 5 आया तो 15 15 हो गया, 15 तो फिर 2 7 = 14 और फिर 14 14 हो गया तो एक फिर बच गया तो 2 5 = 10 है ना, 1 पे 1 आया तो 11 हो गया था, तो फिर 1 आया 2 9 = 18 और फिर 2 2 = 4 इस तरह से, और फिर 23 का टेबल से आप कट करोगे तो 2 5 = 4 आएगा। आप ऐसे भागा देखिए, देखिए 23 से भागा दे दीजिए 2 5 7 5 9 2 में तो ये आपका आएगा 2 5 = 4 है ना, ये आप चेक कर लीजिए भागा करके कि हम सही बनाएंगे नहीं, जल्दी बताइए तो कि सही है कि नहीं। उसके बाद फिर 2 5 = 4 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 25.04। कैसे, क्योंकि डेसिमल हमेशा आपको बताए थे कि बाएं हाथ की तरफ चला जाता है, तो अब बताइए कि इसमें डेसिमल था तो हाँ था, जब किसी में डेसिमल नहीं रहता तो समझिए वो अंतिम में है, यानी कि 25.2504.8
जीरो है, मतलब इधर डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, इसीलिए डेसिमल इसमें दिख नहीं रहा। अब डेसिमल को बाएं हाथ की तरफ दो ले जाएंगे तो एक डिजिट और दो डिजिट, दो डिजिट के बाद। ऐसे भी आप लोग पहले भी जानते हैं कि जितना नीचे में जीरो रहता है उतना डिजिट के बाद ऊपर में डेसिमल हम लोग लगाते हैं, है ना। तो आप लोगों ने डिवाइड किया इसको और डिवाइड करके देखा, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 का ए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो हम लोग इसको आराम से समझेंगे। देखिए ये बोर्ड मास जैसा कि आपको पिछला 4.6 में आपको बताए थे हम, उसी तरह से ये रन थ्रू में भी क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन है, और इसमें हम लोग बोर्ड मास फॉलो करते हैं। 35.52 डिवाइडेड बाय 7 होल 2/5 ऑफ 3.2 इंटू 0.5। तो ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट का काम हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो ब्रैकेट का काम यहाँ पर ये सबको मैंने वैसे छोड़ दिया, और ब्रैकेट का काम सबसे पहले 32.5 160 होता है। तो इस तरह से टेबल याद करते हैं तो मल्टीप्लाई बहुत ही जल्दी होता है। आप लोग को ही टेबल याद रखना चाहिए। आप 20 तक याद किए हैं तो 25 तक फिर याद कीजिए, 25 तक याद हो जाए तब 30 तक याद कीजिए। इस तरह से टेबल पे मल्टीप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उससे बहुत जल्दी बनता है। ये देखिए 1.60 हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट के बाद था और यहाँ पे एक डिजिट, तो दो डिजिट के बाद यहाँ पे हम लोगों ने डेसिमल लगा लिया। अब हम लोग का ब्रैकेट के बाहर जो सबसे बड़ा चीज़ है वो ऑफ है, क्योंकि बोर्ड मास में ओफर ऑफ होता है। तो अब ये 37 यहाँ पर, अब इसको पहले चेंज कर लेंगे, तो 7 5 35 35 + 2 = 37/5 और ऑफ 1.6। अब ये देखिए ऑफ का काम सबसे पहले करेंगे, 37 में 1.6 से गुना करेंगे तो 59.2 आएगा। आप करके देखिए 37 में गुना 1.6 से, क्या तो अब हम लोग ये हो गया 59.25, है ना। अब हम लोग इसको, ये डिवाइड था और डिवाइड के बाद जो है मतलब डिवाइड के बाद जो नंबर रहता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करके। तो यहाँ पे इस नंबर को मैंने यहाँ पे लिखा 35.52, और चूंकि ऊपर में दो डिजिट के बाद डेसिमल था इसलिए दो जीरो लगा दिए नीचे में, तो इस तरह से 100 हो गया और मल्टीप्लाई, और ये 5 नीचे था जो 5 ऊपर चला गया और 59.2 नीचे आ गया। अब यहाँ से 2 पॉइंट को फिर से हटाया, ऊपर में 10 लगा दिए। अब यहाँ से 10 और 10 हमने यहाँ से कट कर लिया, और इस टेबल को टेबल 2 के टेबल से पहले हम लोग कट किए, तो 2 2 = 4, 2 2 9 = 18 एंड 2 6 = 12, तो ये आ गया 296। यहाँ फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 7 = 14 एंड 2 7 = 14, 2 6 = 12। इस तरह से फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 148 और यहाँ आ जाएगा 888। तो 888 गुना 5, है ना, 888 गुना 5 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 10 इंटू 148। तो 148 को और छोटा किए, फिर से 2 का टेबल से कट करेंगे, 37 आएगा और ये 2 2 2 6 आएगा, सॉरी 37 आएगा और 222 आएगा। 37 का टेबल 6 बार करेंगे यानी 37 से जब डिवाइड करेंगे 222 में तो ये 6 आ जाएगा। देखिए 37 से 222 में आप डिवाइड करेंगे, मतलब 222 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6। फिर से 6 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 30 आ गया, और यहाँ पे नीचे में 10 था तो 10 से 0 0 कट गया, ये बच गया 3। इस तरह से ये सिंपल आंसर 3 आ गया, ओके ओके। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी, और इसमें भी बोर्ड मास फॉलो करेंगे, और इसमें वैनी कुलम सबसे पहले, जिसको बार बोलते हैं, कल बताए थे आप लोग को, इसका काम सबसे पहले करेंगे। देखिए हम इधर वाले को छोड़ देते हैं, बाकी जिसमें सिर्फ काम कर रहे हैं उसको बताते जा रहे हैं कि किस पे एडिशन कर रहे हैं, किस पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
ये 0.3 था और ये प्लस 2 था, तो ये दोनों को ऐड किए तो 2.3 हो गया, और 2.3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 समझ लेंगे, और 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो गया। और इस तरह से 5 को 5 से जब यहाँ डिवाइड करें 38, और यहाँ पे 23, 5 सा हमको मालूम है 115 होता है, आपको भी टेबल याद करना चाहिए। तो ये आप गुना करके देख सकते हैं, तो ये 11.5 हो जाएगा। अब हम लोग की 11.5 को घट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 26.5 डिवाइडेड बाई 5। और ये अब फिर से हम लोग कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हम लोग का खत्म हो गया। तो ये आ गया 3, इसमें इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, और 1 5 5 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5 6 30, 5 7 35, प्लस 3 38, 38 माइनस 26.5 किए और डिवाइडेड बाई 5। नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब देखिए ये आपका जो है आ गया, ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा फिर से ओके, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए हैं 38 माइनस 11.5, इसको करेंगे तो 26.5। और अब ये ब्रैकेट का काम हो गया, तो ब्रैकेट के बाहर हेलो कोई क्वेश्चन? तो ये आपका ब्रैकेट के बाहर का काम फिर हम लोगों ने यहाँ पे किया, या मतलब यहाँ पे ब्रैकेट इधर भी, छोटा ब्रैकेट इधर भी चल रहा था तो साथ साथ इधर भी काम हो रहा था, इसको मैंने गैप किया है ना। तो ये आपका टोटल 38 प्लस 57/5 जो था उस वो आ गया 95/5, और ये गुना 100 सॉरी 11.8। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 95 मल्टीप्लाई बाई 11.8, तो ये आ जाएगा 1121.0/5 एंड 26/5। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा आपका 1095.4, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 5 से 218.9 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर। ओके, तो क्लास को अब एंड किया जाए। यस सर। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। बाय सर। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। सर। ये नहीं बोल रहे सर।